15 को लेके मार्केट में काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। बोला जा रहा है कि इसे अभी मतलब क्योंकि इसके अंदर AI फीचर नहीं मिलेंगे और iPhone 16 के अंदर नया डिजाइन भी मिलने वाला है, तो उसके बाद ये पुराना हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो सबसे पहले क्लियर करेंगे डाउट AI का ही लेकर। तो iOS 18 के अनाउंसमेंट में ना एप्पल ने बताया कि हम काफी सारे AI फीचर डाल रहे हैं, और यहाँ पर AI से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस से मतलब है। जस्ट लाइक एंड्रॉइड के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है, तो एप्पल के अंदर सिनेमेटिक वीडियो मोड, पुरानी आदत है। तो iOS 18 पर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इसके बीटा वर्जन को टेस्ट करके, आप चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हो। अब लेकिन मार्केट में जिस वजह से हलचल है कि आईफोन 15 या 15 प्लस नहीं लेना चाहिए, वो एप्पल की वेबसाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इनका जो AI है मतलब एप्पल इंटेलिजेंस है, वो आपको प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो पहले इसके रीजन की बात कर लेते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों। तो देखो आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर आपको A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है, वहीं पर प्रो के अंदर प्रो चिपसेट है, A17 प्रो चिपसेट दिया गया है। अब जिसके अंदर आपको बेटर NPU मिलता है, NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जिन लोगों को नहीं पता, SoC के अंदर जितने भी AI टास्क कराए जाते हैं वो NPU से ही कराए जाते हैं, मतलब वही हैंडल करता है सारे। तो यहाँ पर A17 Pro Bionic चिपसेट के पास ना आपको बेटर NPU मिलता है, जिसकी वजह से 35 trillion ऑपरेशन पर सेकंड हैंडल कर सकता है। वहीं पर जो A16 Bionic चिपसेट है जो कि आपको iPhone 15 और 15 प्लस में मिलता है, वो सिर्फ 17 trillion ऑपरेशन पर सेकंड ही ऑपरेट कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रो चिपसेट थोड़ा सा सुपीरियर बन जाता है AI टास्क को ऑन डिवाइस हैंडल करने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर एक एडवांटेज और आती है प्रो के पास, वो है ज्यादा रैम की। यहाँ पर आपको 8GB की रैम मिलती है और नॉन प्रो के अंदर सिर्फ 6GB की रैम। तो बेटर हार्डवेयर होने की वजह से यहाँ पर प्रो एडवांटेज ले जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा AI फीचर मिलेंगे प्रो सीरीज में, क्योंकि एप्पल ज्यादा से ज्यादा भाई आपकी प्राइवेसी पर फोकस करता है, नहीं चाहता कि आपका डेटा किसी और इंसान के पास जाए। तो इनका फोकस है कि मोस्टली AI टास्क ऑन डिवाइस ही हो, क्लाउड बेस्ड कमी हो, जिसकी वजह से आपका डेटा सेफ रहे। और यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है iPhone 15 के पास, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर थोड़ा कमजोर है, तो यहाँ पर आपको कम AI फीचर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सारे AI फीचर नहीं मिलने वाले, यहाँ पर कुछ मिलेंगे, लेकिन एप्पल यहाँ पर सारे इस वजह से नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, और एप्पल नहीं चाहता स्लो का ठप्पा लगवाना अपने ऊपर, क्योंकि हमने एंड्रॉइड फोन के अंदर ऑलरेडी अभी देखा है, लाइक 30,000 में कंपनी ने प्रमोशन करा, AI डाला है हमने इसके अंदर, लेकिन जब हमने AI फीचर यूज करे, काम तो उन्होंने अच्छे से करा, लेकिन उन्होंने प्रोसेसिंग में काफी टाइम लिया है। जैसे कि ओप्पो में हमने डिजिटल अवतार क्रिएट करा था, उसने अच्छा खासा टाइम लिया था, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने क्रिएट करके दी थी काफी खूबसूरत फोटो। तो यहां पर एप्पल मेरे को नहीं लगता कि वो स्लो का ठप्पा चाहता है अपने ऊपर, और इस वजह से उसने थोड़े से कट डाउन करें AI के फीचर नॉन प्रो वेरिएंट से। अब यहां पर ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको AI फीचर कोई भी नहीं मिलेगा, AI फीचर आईफोन 15 के अंदर और 15 प्लस के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स में आपको थोड़े एडवांस लेवल के AI फीचर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको वहां पर बेटर NPU मिल रहा है और बेटर RAM मिल रही है प्रोसेसिंग को करने के लिए। और देखो ये कुछ कुछ इस तरीके का फीचर में कट डाउन है, जैसे कि हमने एंड्रॉइड फोन के अंदर भी देखा है, सेम मॉडल आता है, एक में आती है 6GB RAM, एक में आती है 4GB RAM। 4GB RAM में एनिमेशन नहीं मिलती, कुछ फीचर कट हो जाते हैं, लेकिन 6GB में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं और कहीं कहीं एनिमेशन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर एप्पल ने भी सेम किया है, और इसी वजह से इसके अंदर आपको थोड़े कम AI फीचर मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो फीचर तो मिलेंगे जो कि क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। अब यहाँ पर सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, इनके भी ज्यादातर AI फीचर ना क्लाउड बेस्ड ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज के लिए आपको रुकने के लिए कह सकता हूँ, वो है अगर आप डीप मतलब बिल्कुल कोर एप्पल इकोसिस्टम है, आपके पास एप्पल वॉच है, आपके पास iPad है, MacBook है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी जो सीमलेस कनेक्टिविटी वाला फीचर डाला है ना, हो सकता है वो आपको प्रो चिपसेट के साथ ही देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे फोन की स्क्रीन ना आपके मैकबुक पे आ जाती है, जिसमें आप कुछ भी करोगे पूरा दिखेगा। तो हो सकता है ये वाला फीचर प्रो चिपसेट के साथ ही हमें देखने के लिए मिले, तो उसकी क्लियरिटी हमें भाई अभी नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। iOS 18 की जब स्टेबल अपडेट आ जाएगी ना, ये चीज क्लियर होगी तब। बाकी जो दूसरा डाउट जो है वो है डिजाइन को लेकर। तो देखो ये है iPhone 15 और ये है iPhone 16, कुछ ऐसा दिखने में होने वाला iPhone 16, एग्जैक्टली यही iPhone 16, बस कलर चेंज होंगे। अब भाई यहां पर आप देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज करा है, और कैमरा मॉड्यूल ही नहीं, सिर्फ यहां पर अंदर की तरफ जो सेंसर होने वाला है मेन वाला, उसका साइज भी बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस कैमरा की इंप्रूव हो जाएगी। बाकी यहां पर पावर बटन के नीचे आप देखोगे आपको कैपेसिटिव टच मिलेगी, कैपेसिटिव टच काम करेगी, यहां पर जब आप इसे प्रेस करोगे अंदर की तरफ नहीं दबेगी, लेकिन आपको बिल्कुल फीडबैक देगी जैसे आपने बटन प्रेस करा है। जैसे कि iPhone 7 के अंदर हमने बटन देखा था ना होम वाला,
वो बटन अंदर की तरफ नहीं जाता था, लेकिन भाई बिल्कुल फील देता था बटन वाली, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने हैप्टिक मोटर यूज करी थी, लेकिन इसके अंदर डबल हैप्टिक मोटर है। यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड वाला हैप्टिक फीडबैक मिलने वाला है, तो वो तो एक्सपीरियंस करके ही बता पाएंगे। लेकिन मैं इसका यूज बता दूं, ये इंस्टेंट कैमरा ऐप यूज करने के लिए होने वाला है, और अंडर वाटर भी आप इससे फोटोज क्लिक कर सकते हो। बाकी भाई प्रो बनाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार एक्शन बटन भी डाल देंगे, 100% कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर प्रो वाली ज्यादा चीज एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि डिस्प्ले अभी भी 60Hz के साथ ही मिलेगी, या 90Hz डाल देते तो मजा आ जाता। और एक और चीज एक्सपेक्ट मत करना, वो है प्राइस, क्योंकि काफी टाइम से सेम प्राइस आ रहा है भाई नॉन प्रो सीरीज का, और प्रो सीरीज का भाई 20,000-20,000 रुपए बढ़े जा रहा है। लेकिन हमने ये चीज भी देखी थी कि पहले नॉन प्रो के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार ये थोड़े बहुत तो भी चेंज कर रहे हैं डिस्प्ले को छोड़ के, तो हो सकता है इस बार प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाए। और अभी हमने देखा था आईफोन 15 का प्राइस जो है भाई वो 63,000 का हो गया था फ्लिपकार्ट सेल में, और कुछ ऑफलाइन स्टोर तो भाई इसे 70,000 के अंडर दे रहे हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। लेकिन मेरे हिसाब से भी बेस्ट रहेगा कि वेट करो, क्योंकि वेट करोगे ना आईफोन 16 आएगा, फिर भाई फेस्टिवल सेल आएगी, और 15 का प्राइस हो सकता है 50 के अराउंड चला जाए, क्योंकि हम काफी साल से देखते आ रहे हैं 45,000-50,000 ही पहुंच जाता है। तो वेट करोगे तो फायदा है, और हमें यह भी पता लग जाएगा कि आईफोन 16 के अंदर क्या क्या एडवांटेज मिलेंगी, और 15 के अंदर अपडेट के बाद क्या क्या AI फीचर आ जाएंगे। तो वेट करना मेरे हिसाब से एक सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको अभी फोन बाय करना है, आपका फोन टूट चुका है, आपको आईफोन पे शिफ्ट होना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप आईफोन 15 बाय कर सकते हो, यहां पर मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर ये आपको 65,000 के आसपास मिल रहा है। तो देखो सारी चीजें मैंने बता दी हैं आईफोन 15 और 16 में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, हालांकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, और अगर आप इसे बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लाऊंगा, आप मुझे कमेंट बताना अगर आपको चाहिए। मैं इसे सेल की फर्स्ट डेट से यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFEN बॉक्स गाइस।